कहा था कि हम तिरंगे झंडे के नीचे कसम खा के करता हूँ कि 2018-19 में जब महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी तो देश का हर नागरिक बिल्कुल एकदम परफेक्ट आर्थिक रूप से मजबूत होगा। लेकिन आज महात्मा गांधी की, कस्तूरबा गांधी की तो हमारी जो जयंती मनाई जाए या कुछ भी किया जाए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मोदी जी ने एक चीज़ और घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। सब लोगों ने कहा था ठीक है जन धन योजना, लोगों ने खोला भी, लोगों के करोड़ों रुपए जमा भी हुए। और मोदी जी ने एक वादा और भी किया था कि सबके खाते में पैसे आएंगे। अब कितने आएंगे तो आप लोग जानते ही हैं, 15 लाख रुपए बोला था उन्होंने। अब अभी तक किसी के खाते में 15 रुपए भी नहीं आए। अब हम लोग जो इसमें वर्कर हैं, चाहे रसोईया है, चाहे चौकीदार है, चाहे चपरासी है, अब वो 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं और मिलता क्या हमें 5000 रुपए। अब बताइए इस 5000 में आदमी क्या गुजारा करेगा, अपने बच्चों को पालेगा, आप खुद खर्च करेगा या मकान का किराया देगा, कैसे रहेगा बताइए आप लोग हैं। लोगों को कम से कम इतना तो होना चाहिए, इतने 2003-04 से लोग लगे हुए हैं, किसी की पोस्टिंग नहीं हुई, सब लोग ऐसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, सबके अंदर गुस्सा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बताइए कैसे गुजारा चलेगा लोगों का हैं। अब इसके पहले ऐसे ही काम दक्षिण अफ्रीका एक देश है, साउथ अफ्रीका भी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ पर रंग भेद नीति होती थी। रंग भेद नीति कई लोगों को मालूम नहीं होता क्या होता है रंग भेद नीति। रंग भेद नीति यह है कि गोरे काले का, अब गोरे लोग वहाँ काले लोगों को कुछ समझते नहीं थे, उसको ना चुनाव लड़ने देते थे, ना नेता होता था, ना वर्कर होता था। तो उन्होंने मिल के क्या करा काले लोगों ने कि एक अपना नेता चुना जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। तो मंडेला साहब को उन्होंने कहा नेताजी आप कुछ करिए हमारे देश के लिए, ये काले गोरे का भेद खत्म हो जाए। और दुनिया ने क्या किया कि उस दक्षिण अफ्रीका को अपने बिरादरी से अलग कर दिया कि भाई तुम लोग अपना अपने वहाँ से रंग भेद नीति खत्म करो, सबके समान अधिकार हो। तो इधर उधर दक्षिण अफ्रीका वाले धक्का खाते रहे जिस तरह हम लोग धक्का खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया के लोगों के कि अगर तुम्हें कहीं शरण चाहिए या बिरादरी में मिलना है तो तुम भारत के पास जाओ। तो भारत के पास जब आए लोग दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोग, उन्होंने कहा कि हमें अपनी बिरादरी में शामिल करिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है राजीव गांधी के समय 91 में तो उनका मर्डर ही हो गया था, उससे पहले जो सरकार थी यहाँ लोगों ने, राजीव गांधी ने कहा ठीक है हम आपको शामिल करेंगे अपने देश में, लेकिन अपने बिरादरी में, लेकिन आपको वहाँ पर समान अधिकार लागू करना होगा। उसके बाद 91-92 में उन्होंने घोषणा करी कि हम समान अधिकार देंगे। वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से क्रिकेट टीम खेलने हमारे देश में आई केबलर बेसल्स के नेतृत्व में, और यहाँ पर भारत के कपिल देव ने जब पहली गेंद फेंकी उनको तो उसी समय वहाँ पर रंग भेद नीति खत्म हो गई और समान अधिकार लागू हो गया, ठीक है। कम से कम इतना तो अधिकार होना चाहिए। और जो उस नेल्सन मंडेला को उन्होंने 27 साल जेल में रखा, और 27 साल के बाद जब वो नेताजी रिहा हुए तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो ऐसे जब लोगों का जब आंदोलन होता है और वो होता है तभी जाके कुछ होता है। अब बताइए अब इस समय हम लोग क्या करें, एक महीने का समय बीत गया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अभी देखिए हमारे पास जब 3 तारीख को हमारा यहाँ पे अधिवेशन हुआ था उसके बाद में 5 दिसंबर को हमारे पास एक पेपर की कटिंग है नवोदय टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है न्यूनतम मजदूरी, मैडम जरा पढ़ के देखेंगी, दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है जिसको कुछ नहीं आता। अकुशल मजदूर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अकुशल मजदूर की मजदूरी कितनी है 14,842 रुपए, जिसको कुछ भी नहीं आता, ध्यान दीजिए। और अर्धकुशल मजदूर जिसको कुछ आता है करना धरना, उसकी मजदूरी 16,347 रुपए। और कुशल मजदूर जिस तरह हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसकी मजदूरी कितना है 17,991 रुपए। अगर ये चीज दिल्ली में लागू हो सकती है तो बताइए पूरे देश में नहीं लागू हो सकती क्या। तो हम
बना रहे हैं, पागल में भोग रहे हैं इनको। अगर इससे पहले भी मायावती की सरकार थी, उससे पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया। आज हमारे अंदर आंसू भरे हुआ है, हम कितनी रो रहे हैं, किसके सामने गए, क्या किसके पास जाए है? मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, जज्बाती हो गया तो किससे हम गुजारा करें, कैसे अपना करें, किसके पास जाए, कौन सुनेगा हमारे? अगर हमारे लिए एक ही चीज है, हमारे पास एक वोट बैंक है, अगर अगर हमारा हमारे हित में कोई काम नहीं करता है, कोई आता है, दूसरी सरकार आती है, उसको भी जूते मार के नीचे फेंकिए उसको, अगर ये नहीं करते इसको मार के जूते फेंकिए। हमारे मतलब कि हमारे इज्जत की काम जो करता है, हमें जो संभालता है, उसके लिए हम काम करेंगे। हैं 12 घंटे का क्या मतलब होता है? किसी संविधान में लिखा हुआ क्या 12 घंटे हम करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी किसी या कोई भी कैसे हमें दिख करके देगा, हम उसको पाड़ के फेंक देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम 8 घंटे कोई माई का लाल हमसे 12 घंटे करके दिखलाए, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें अब निकाल के दिखा दे, हम उसको उसके घर में गोली मारेंगे। अगर हम नेता की सैलरी 1,00,000 रुपए और अधिकारियों की सैलरी 50,000 रुपए है, बताइए हम 5,000 रुपए करेंगे, क्यों करेंगे? हम भारत के राष्ट्रीय नागरिक नहीं है? तो जो चीज दिल्ली में लागू हो सकती है, वो पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकती? आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, चाहे पंजाब के हो, चाहे कहीं से भी हो। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का गोद रहने वाला हूँ, जोगी जी के जिले को, मैंने जोगी जी को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, अब राष्ट्रपति के पास भी मैंने लिख करके पर्सनल पत्र भेजा कि ये हमारे साथ हो रहा है। अब देखिए उनके पास क्या प्रतिक्रिया आती है। तो हमारे तो पहले जो लिखे गए थे वो तो कूड़े के ढेर में गए होंगे, उनके पीए वहां तक पहुंचने नहीं दिया होगा, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हमें यह है कि लड़ते रहना है, चाहे जो हम 200-250 रुपए जो हमारे जाते हैं, कम से कम लोग ईमानदारी से वहां पर हाईकोर्ट में लगाएं, वो मामला हमारे हक में आ जाए, यही हम चाहते हैं। अब लोग बताइए, कई लोग रिटायर के उस पर पहुंचे हुए हैं, 2003-04 से लग रहे हैं, क्यों नहीं उनकी पोस्टिंग होती है? कम से कम कुछ होना तो चाहिए है? ये बहने बेचारी बताओ ठंड के मौसम में अपने बच्चों को छोड़ करके वहां तुम्हारे जूठे बर्तन मांज रही हैं, इनका कुछ पैसा नहीं बढ़ना चाहिए है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होता है। एक इसके बाद तो अब ये निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी, महीने 15 दिन जब भी इलेक्शन का पीरियड आएगा, हम न बोल सकते हैं, 144 लागू हो जाएगी, फिर कौन कौन सम्मेलन करने देगा, कौन हमें भाषण देने देगा, कोई देगा? तो कम से कम इस बात को तो लोग ध्यान रखें, इस काम को तो करें है। चलिए मैं इसी के साथ आप लोगों से माफी मांगता हूँ अगर कोई गलती हो गई हो।